पलवर रोड पर गांव मलोखड़ाका के समीप निजी स्कूल की बस चालक के साथ मारपीट करने व स्कूल में बैठे बच्चों का अपहरण करने के मामले में हथीन थाना पुलिस ने 3 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बस चालक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर बाकी नामजद लोगों के पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। हथीन थाना में तैनात SI मदन लाल ने बताया कि निजी स्कूल बस के चालक होशियार सिंह निवासी फिरोजपुर राजपूत ने शिकायत दी है कि वह आए दिन स्कूल की बस में छुट्टी के बाद बच्चों को लेकर फिरोजपुर राजपूत गांव आता है। आज जब वह गांव मलोखड़ाका के समीप पहुंचा तो कुछ लोगों ने बस को रोककर उसके साथ लाठी डंडे और सरियों से मारपीट की। वह हमलावरों ने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी पीटने में कोताही नहीं दिखाई है और आरोप है कि बस चालक के मना करने के बावजूद बच्चों का अपहरण करने का प्रयास भी किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर मामले में लिप्त 3 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में लिप्त बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर आगे की तफ्तीश में शुरू कर दिया। 3 आदमी अरेस्ट किए जा चुके हैं, एक आबिद है और एक खालिद है, दोनों भाई हैं और एक इनका चाचा है सुमर। इनका मामला ये था कि 16 दिसंबर को पहले इनकी आपस में ड्राइवर की और इसकी आबिद और इसकी मम्मी अथीन चाचे समय यहाँ आपस में मामूली झगड़ा हो गया था। उस झगड़े की मैं यहाँ भी रिपोर्ट दर्ज है और उस झगड़े की रंजिश के कारण ये टूड़ा लेकर गया, ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे, तीनों ट्रैक्टर में सवार थे, उसी दौरान वो स्कूल बस आ गई। होशियार ड्राइवर बस का ड्राइवर था, उसका आगे बस लगा करके बस स्टैंड पर और उसके साथ इन लोगों ने मारपीट की। गांव के अन्य आदमी भी आ गए, तो बताया गया छात्राओं छात्राओं के साथ भी कुछ छात्रों के साथ में भी जैसा वो बता रहे हैं उनके भी थप्पड़ मुक्के होने जान हुए हैं, तो उनका मेडिकल करा दिया गया है। कितने छात्र 8 बच्चों को मामूली चोटें लगी थी, उनका मेडिकल करा दिया गया। कितने आरोपी इसमें सम्मिलित हैं? इसमें आरोपी तो उन्होंने 7 तो भाई नेम है, 10-12 अन्य का नाम दिखाया गया है, बाकी तफ्तीश जारी है। अभी सच्चाई का पता लगा करके उनका पता लगा करके कहा।